मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आशय की घोषणा करते हुए बताया कि अब प्रदेश में किसी भी विधा से पत्रकार हो, यूट्यूब चैनल से हो, सोशल मीडिया के किसी भी फ्रंट से हो, प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल का पत्रकार हो, सभी को सरकार मान्यता देगी और सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरी छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है, साथ ही जनहानि साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हो, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसके रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जो उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, जो प्रदेश स्तर पे होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे, तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है। यदि उसे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी, प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं इस अवसर पर जस्टिस अफ्ताब आलम जी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्रीमती अंजना प्रकाश जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन जी, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं ललित सुरजन जी, श्री प्रकाश दुबे जी, मेरे सलाहकार रुचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता विधि विभाग के प्रमुख सचिव पुलिस महानिदेशक, सभी इसके सदस्य थे और अनेक बैठकें राज्य में और दिल्ली में करके विभिन्न संगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया और उसके बाद इसके प्रारूप को विभाग को सौंपा गया। विभाग ने लंबे विचार विमर्श करके इसको विधेयक के रूप में विधेयक के रूप दिया गया और इसे राज्यपाल से अनुमति लेकर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और आज वो पारित हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इसके लिए सहमति तो दिए लेकिन इसमें चर्चा में भाग नहीं लिए, किन कारणों से नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जो उनकी मंशा थी, अजय चंद्राकर जी बोलने खड़े भी हो गए लेकिन बाद में उसके साथियों ने बिठा भी दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे विधेयक जो मूल विधेयक है और पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है तो विपक्षी साथियों को भी इसमें अपनी राय रखनी थी, जो नहीं हुआ ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। हालांकि सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित किया गया। भाई अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।